डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर ये जान तेरा वीडियो 2014 के ही बात क्यों शुरू हो रहा है, ये उस बारे हो रहा है क्योंकि शायद कुकू ने या गूगल ने तुम्हें, तुम्हारी टीम को इतना ही ज्ञान दिया होगा। सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। तू जो भड़बड़ के आगे भड़बड़ के बोल रहा है, यही बात ये साबित करती है और जाहिलों का पत्रकार कि इस देश में वाकई डेमोक्रेसी है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। तुम्हारे लाल नीले पीले हरे गुलाबी चाचा जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए डेमोक्रेसी के नाम पर। इस देश में जो पहला चुनाव हुआ वो 12-0 से हारने के बाद। पूरी स्टोरी बता ना। अरे कुकू ने यार तुझे पूरी नहीं बताई तो मुझसे पूछ लेता ना, मैं पूरी बता देता। ईडी और सीबीआई जितने भी केसेस इनके खिलाफ चला रही है वो सारे बंद हो जाएंगे इमीडिएटली, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। हां मेरे लाल ध्रुव, ये हुआ है इस देश में। इंदिरा जी तब मुंह खुला रह गया, मुंह में दही जम गई। हरिओम लाओ देखो, जवाहरलाल नेहरू साहब एकदम स्तब्ध रह गए और यूं करके राष्ट्रपति की तरफ देखने लगे, मुंह में दही जम गई थी, कुछ उसके बाद बोल नहीं गए और कहा लाओ दे दो और ले लिया। हाँ जी, क्या हाल चाल है सब, राजी खुशी डिबेट शो की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर जर्मनी में रहने वाले दुग्गल साहब ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और भारत में तानाशाही आ चुकी है। इधर उधर से कुछ क्लिप उठा के, कुछ न्यूज उठा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि मोदी जी कितने बड़े तानाशाह हैं। तो इसी के चलते डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी एक वीडियो बनाई जिसमें बहुत ही करारा जवाब दिया है और इन दुग्गल साहब का 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उसको एक बार जब केरला स्टोरी की बात हुई थी, मैंने इस बच्चे को बताया था, यार तू एआई पर वीडियो बना, तू टाइटैनिक कैसे डूबी इस पर वीडियो बना, तू अंडा मुर्गी पर वीडियो बना, तुम किसी और चीज पर वीडियो बना, तू खेती पर वीडियो बना, तू आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी उस पर वीडियो बना। भाई तू किसी पर वीडियो बना, बड़ी अच्छी बात है, कुकू से और अपने गूगल से डेटा ले, इधर से उधर से चीजें निकाल और वीडियो बना दे, तेरे चलेंगे, अच्छे चलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज पर वीडियो ना बना जिसका तुझको ज्ञान नहीं है, क्योंकि तू अभी 10 साल पुराना ही एक यूट्यूबर है, तूने इससे पहले कभी किताबें पढ़ पढ़ के इस टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक्स पर चिंतन नहीं किया है जैसे आतंकवाद, आईसिस, केरला स्टोरी, कश्मीर स्टोरी। तेरा जो भी ज्ञान होगा वो बहुत हल्का होगा और बहुत कुछ सालों का ही होगा। तो इस बारे मैंने केरला स्टोरी के भी टाइम पे इसको बताया था कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले नीले, तुम ऐसे टॉपिक पर वीडियो ना बनाओ जिनके शेड्स, जिनके नुएंसेस, जिनकी पुराना इतिहास, जॉइनिंग द डॉट्स, कहानी के अंदर की कहानी, चोर पे मोर तुम्हें नहीं पता है और कुकू एफएम और गूगल ये तुमको नहीं दे सकता है। तो इसने भाई एक वीडियो बनाया द डिक्टेटर करके और शुरू से आखिर तक लेकर इशारेबाजी में सही इन्फ्लुएंस करने के लिए मन बनाया कि भैया चुनाव से पहले इन्फ्लुएंस करूं लोगों को कि कैसे भारत एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होता जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये एक बड़ा सीरियस सवाल है, आप ऐसे कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं, हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हम ये कहें हमें भारत पर वीडियो बनाना है, मान लो, तो हम भारत को कहां से उठाएंगे? कोई रामायण से उठाएगा, कोई महाभारत से उठाएगा, पर कोई चंद्रगुप्त मौर्य से उठाएगा, विक्रमादित्य से उठाएगा, अशोक महावीर से उठाएगा। लेकिन क्या आप भारत पर वीडियो 1947 के बाद बना सकते हो कि हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ? वो इस बारे क्योंकि तुम्हें कुकू एफएम से और गूगल से इतनी ही तुम्हारे पास जानकारी है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, अगर तू चुनाव से पहले किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये वीडियो बना रहा है कि देश में कैसे डिक्टेटरशिप आ रही है, और मेरी जान तेरा वीडियो 2014 के ही बाद क्यों शुरू हो रहा है, उस बारे हो रहा है क्योंकि शायद कुकू ने या गूगल ने तुम्हें, तुम्हारी टीम को इतना ही ज्ञान दिया होगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है,
मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क यह है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया, इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। जैसे वो समझा रहा था ना, मैंने शुरू में देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि आप वोट डालें और कोई सरकार चुन जाए। डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया में भी है, डेमोक्रेसी तो रशिया में भी है। मेरी जान, ये रशिया जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला दुनिया में कहीं भी हो ठांस दिया जाता है। तू जो भड़बड़ के आगे भड़बड़ के बोल रहा है, यही बात ये साबित करती है और जाहिलों का पत्रकार कि इस देश में वाकई डेमोक्रेसी है, वाकई डेमोक्रेसी है। तो आइए आज देखते हैं कि अगले की नॉलेज कितनी हल्की है और कितनी कम है, क्योंकि शायद कुकू ने या शायद गूगल ने इसे पूरी जानकारी नहीं दी कि देश में डिक्टेटर डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप कब से आ गई थी। देश में आजादी के लगभग वक्त से कैसे कैसे डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप का खेल खेला गया, जो इसको सिर्फ 2014 के बाद ही नजर आ रहा है। चलिए पहली घटना, सबसे पहले इस देश में डिक्टेटरशिप पता है कब शुरू हुई? इस देश में डिक्टेटरशिप सबसे पहले यह शुरू हुई जब महात्मा गांधी जी ने यह घोषणा कर दी कि मेरा प्रिय लाल नीला पीला जवाहरलाल नेहरू है, मैं उसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष देखना चाहता हूं। तो जो 15 प्रोविजनल कमिटीज थी कांग्रेस की, जाहिर बात थी ये माना गया कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो ही देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि अंदर अंदर अंग्रेजों में और कांग्रेस में इलू इलू चल रही थी कि बाकी राइट विंग, फलाना विंग, आरएसएस विंग, इनको जूते मार के अलग करो और यार जाते हुए हम तुम्ही को तो सत्ता देके जाएंगे क्योंकि तुम्हारी दम पर हमने मौज की है। तो भैया जब 15 प्रोविजनल काउंसिल्स में, प्रोविजनल सीट्स में, कमिटीज में कांग्रेस का चुनाव हुआ तो भैया 12 ने कहा कि भैया पटेल साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अध्यक्ष होंगे। अब सवाल उठता है क्या 3 ने कहा कि नेहरू जी होंगे? ना 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 ना, 3 ने वोट देने से ही मना कर दिया, यानी नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये चुनाव हारे थे 12-0 से। लेकिन नेहरू जी ने कहा ना, ये मेरी जिद है, ये लोकतंत्र के नाम पर मेरी तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी के नाम पर मेरी डिक्टेटरशिप है, मैं ही इस देश का लाल नीला पीला और मैं ही इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इस देश में मेरे लाल इस दिन से लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप शुरू हो गई थी। और तुम्हारे लाल लाल बहादुर शास्त्री नहीं, तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, तुम्हारे लाल नीले पीले हरे गुलाबी चाचा जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। डेमोक्रेसी के नाम पर इस देश में जो पहला चुनाव हुआ वो 12-0 से हारने के बाद। तो मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, यहां से शुरू हुआ इस देश में डिक्टेटरशिप का खेल। प्रॉब्लम यहां सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है, अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहां पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलए को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलए का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। तुम्हारे लाल नीला पीला हरे गुलाबी चचा नेहरू ने पंजाब की सरकार गिरा दी थी सिर्फ दादागिरी से, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई थी। उसके बाद केरला में वामपंथियों की सरकार गिरा दी और उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने आकर इसी तरीके से 1966 से 1977 के बीच में 35 बार सरकार गिरा दी। और उसके बाद जब वो 77 के बाद आई 84 तक, उसके बाद 15 बार गिरा दी। सब मिला के चचा नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने और अलग अलग टाइमों में 90 बार सरकार 356 के दम पर गिराई, जिसका कोई भी कारण नहीं बताया। कारण सिर्फ इतना था कि वो हमारी छतरी के नीचे, हमारे अंगूठे के नीचे वहां का मुख्यमंत्री नहीं रह रहा था, रहने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मेरे लाल ध्रुव, ये तीसरी बड़ी घटना थी जब लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही का नंगा नाच खेला गया था, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप का। अरे पूरी स्टोरी बता ना। अरे कुक्कू ने यार तुझे पूरी नहीं बताई तो मुझसे पूछ लेता ना, मैं पूरी बता देता। जो मोदी जी ने डिक्टेटरशिप करी चल मान लेता हूं, वो भी बता देता, पर पूरी तो कहानी लेके चल यार किसी टॉपिक की, या वहीं से कहानी उठाएगा जो तेरे सब्सक्राइबर्स को सूट करता होगा। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं,
लगता, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है और कई केसेस में उन्हें बिना कॉन्विक्ट किए जेल में डाल दिया जाता है और कई महीनों तक वो जेल में पड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने बताया कि अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बैनर्जी, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव ये बीजेपी ज्वाइन कर लेना, ईडी और सीबीआई जितने भी केसेस इनके खिलाफ चला रही है वो सारे बंद हो जाएंगे इमीडिएटली, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर के मेरे लाल ध्रुव चुनाव हुए, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की आपस में बहुत छंती थी, उन्होंने कहा भैया प्रधानमंत्री तो तुम ही बनोगे। उस जमाने में मेरे लाल जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री बनता था, चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था। तो 1951 के चुनाव में 75 सीटें लड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस और 75 की 75 जीत गई, जिसमें 73 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना लड़े जीत गई, वॉकओवर मिल गया, क्योंकि दूसरे सामने के प्रत्याशियों के सबके पर्चे ही नामांकन ही कैंसिल कर दिए गए, और जम्मू कश्मीर की पार्टी जो राइट विंग से अपना ताल्लुक रखती थी प्रजासभा, उसको चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया। तो मेरे लाल ध्रुव, ये शायद अच्छा गिन भी नहीं पाऊंगा कब कब लोकतंत्र के नाम पर इस देश की आजादी के बाद तुरंत तानाशाही खेली गई थी। तो भैया वहां का चुनाव में महाबेईमानी करी गई सिर्फ डंडे के दम पर और तानाशाही के दम पर। चलो भैया, उसके बाद हुआ ये मेरे लाल ध्रुव कश्मीर में कि भैया शेख अब्दुल्ला से पटनी बंद हो गई, पटनी बंद हो गई किसी वजह से, उन्होंने नहीं सुनी, वो थोड़ी अकड़ अकड़ दिखाने लगे 370 को लेके, 35A को लेके वगैरह वगैरह। तो नेहरू जी ने कहा मैं लोकतंत्र के नाम पर जीता हुआ एक तानाशाह हूं, चल जेल में। उन पर कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस का कि ये भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उन पर आरोप लगाया गया मेरे लाल ध्रुव, और एक मुख्यमंत्री को 11 साल के लिए, प्रधानमंत्री को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उस आदमी ने से यह कहकर कि तुम्हारी अब मेजॉरिटी वहां की विधानसभा में नहीं रह गई है, पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट कहलाता था, उसने कहा मेरी रह गई है, मुझे मौका तो दो अपनी मेजॉरिटी शो करने का, तो कहा गया ना ना ना, हम कह रहे हैं कि तेरी मेजॉरिटी नहीं रह गई है, तूने देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है, जेल में जा 11 साल के लिए। और बख्शी गुलाम को वहां का अपने एक चेले को, चमचे को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जब 11 साल बाद शेख अब्दुल्ला से फिर से काम पड़ा तो कहा गया जाओ तुम्हारा मुकदमा हम वापस लेते हैं, तुम्हें हमने माफ किया, और फिर शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाल दिया गया। तो मेरे बच्चे, कश्मीर का बुरा हाल तेरे चचा नेहरू की डिक्टेटरशिप तानाशाही की वजह से सन 1951 में शुरू हो गया था, और यही डिक्टेटरशिप 1987 में फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके तुम्हारे चचेरे भाई राजीव गांधी जी ने की थी। तो बेटा लाल, तुझे तो सिर्फ 2014 के बाद की तानाशाही नजर आ रही है। राष्ट्रपति ने रात्रि भोज रखा राष्ट्रपति भवन में, अचानक खाना चल रहा था तो राष्ट्रपति साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये निश्चय किया है कि हमारे लाल नीले पीले जवाहरलाल नेहरू साहब को भारत रत्न दिया जाएगा, और पूरे बैंकुट में तालियां बजने लगी, और अचानक जवाहरलाल नेहरू साहब एकदम स्तब्ध रह गए और यूं करके राष्ट्रपति की तरफ देखने लगे, मुंह में दही जम गई थी, कुछ उसके बाद बोल नहीं गए और कहा लाओ दे दो, और ले लिया। हाँ मेरे लाल ध्रुव, ऐसा हुआ है इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, लाओ दे दो। हाँ, और सन 71 की लड़ाई जीतने के बाद इतिहास अपने को दोहराता है, राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज चल रहा है, वीवी गिरी साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि इंदिरा इस देश की बेटी हैं, मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये मन बनाया है कि मैं भारत रत्न इंदिरा जी को देना चाहता हूं। इंदिरा जी तब मुंह खुला रह गया, मुंह में दही जम गई, हरिओम लाओ दे दो। हाँ मेरे लाल ध्रुव, ये हुआ है इस देश में। और फिर कहा गया कि चाहे एयरपोर्ट जाना हो, चाहे जवाहरलाल को भारत रत्न देना हो, चाहे इंदिरा गांधी को भारत रत्न देना हो, ये तो भैया राष्ट्रपति की मर्जी थी कि उनको उन्होंने दे दिया, उन्होंने खुद थोड़ी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत रत्न लिया। तो ये हुआ है इस देश में। इस देश में 2014 का चुनाव उसे चाय वाला कहकर उसके परिवार, उसकी औकात का मजाक उड़ा के लड़वाया गया, और उसके बाद वह 285 सीट की जीत के आया। रिजवान के परिवार, रिजवान की औकात, रिजवान की हैसियत, रिजवान का प्रोफेशन का इस देश में कोई खुला मजाक उड़ाता, और उसके बाद रिजवान लोकतंत्र से जीते हुए चुनाव में 280 सांसद जीत के आ जाता तो रिजवान अहमद बताता कि तानाशाही होती क्या है, तानाशाही होती क्या है, बोलने से पहले जुबान 10 बार सोचती, दिमाग 10 बार सोचता और जुबान तक 20 बार लड़खड़ाती। उस आदमी ने अपने अपमान का बदला नहीं लिया। जलीलो कमीनों, तुम जैसे इंसानों जो टूल किट का हिस्सा हो, जो वहां से पैसा उठाते हो,
उसने उसका बदला नहीं लिया। चाहता तो खाट खड़ी कर देता, खाल निचवा देता संविधान के दायरे में रहते हुए, उसने नहीं किया। उस आदमी पर तुम तानाशाह होने का आरोप लगाते हो, दो कौड़ी के कुकू एफएम और गूगल के पढ़े लिखे स्कॉलर, जिसको 2019 का चुनाव चौकीदार चोर कहर के लड़ा गया और उसने लौटने के बाद कर लेता राहुल गांधी देश की यात्रा, अगर यहां पर कोई तानाशाह होता करके दिखाता, पांव उठने से पहले घसीट दिए जाते, अगर करके दिखाता, अगर इस देश में कोई तानाशाह होता जो गली गली घूम में उस तानाशाह को गाली दे रहा है। इन लौंडों का मैं क्या काउंटर करूं, टी शर्ट के धागे खोल दूंगा यार, इनका मैं क्या काउंटर करूं यार, गूगल की इनकी इनकी जो नॉलेज है वो कुकू एफएम की तो पैदाइश है, वो गूगल की तो पैदाइश है। 2014 के बाद देश का इतिहास के बता रहे हैं, अबे 1947 से बताओ ना, अबे कब तक बोलूं, इतना बोल लिया हूं कि इमरजेंसी के बारे में बोलने का टाइम ही नहीं है। हां भाई कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और रिजवान अहमद साहब से आप सहमत हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।